नमस्कार दोस्तों, मेरी इस प्राकृतिक रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू के पापड़ बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। उसके लिए मैंने आलू लिया है, ये देखिए मैंने आलू उबाल के रखा हुआ है। आप ऐसे छोटे साइज के आलू लीजिएगा जो जल्दी उबल जाते हैं। आप आलू नया लीजिएगा जो इस समय होली के टाइम पे जनवरी फरवरी में नए आलू मिलते हैं, ऐसे मिट्टी जैसे लगे हुए थे। आप इस तरह का आलू देखिए, ये नए आलू का ही बनता है पापड़। तो इस तरह का नया आलू लीजिए और छोटे आकार का लीजिए और इसको 3 से 4 सीटी कुकर में उबाल लीजिए। इसको अच्छे से उबालने के बाद फिर हम इसको कद्दूकस करेंगे। और इसमें मसाला डालने के लिए आप कोई भी मसाला अपने पसंद का डाल सकते हैं। जीरा डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, हरी धनिया का पत्ता डाल सकते हैं, पुदीने का पत्ता, हरी मिर्च का, काली मिर्च का, आपकी जो इच्छा हो, आपको जो पसंद हो, आप वो मसाला इसके अंदर डाल के इसको बना सकते हैं। सभी मसालों के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ उसके लिए जो मैंने मसाला लिया है, मैंने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को दरदरा पीस लिया है मिक्सी में ही, और मैंने धनिया और पुदीने की पत्ती बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है, और सेंधा नमक लिया है, जीरा लिया है, और थोड़ा सा तेल चाहिए इसके लिए, हाथ में लगाने के लिए और पॉलिथीन कवर पे लगाने के लिए। आपको इसकी जगह जो भी सामान चाहिए, आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं उसको भी दरदरा पीस के डालिए। दरदरा पीस के डालने से क्या होता है, वो स्वाद बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च से क्या होता है, जो तीखापन होता है वो बहुत अच्छा आता है, चटपटा सा लगता है थोड़ा पुदीना वगैरह डालने से। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस करेंगे। आप देखिए अच्छे से हमारे आलू उबले हैं और ये गर्म है आलू, गर्म गर्म में ही सारे प्रोसीजर आपको करने हैं। आप इस तरीके से कद्दूकस ले लीजिए और जो सबसे महीन वाला पतला वाला हिस्सा है उससे हम कद्दूकस करेंगे। इससे क्या होगा, आलू को मैश करने में आसानी हो जाती है, वो गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, नहीं तो फिर पापड़ सही से बनता नहीं है अच्छे से। ये देखिए मैंने आलू पूरा कद्दूकस कर लिया, अब हमको इसको अच्छे से मैश करना है। अब देखिए मैश करने पे हाथ पे कैसे चिपक रहा है, ऐसा ही आलू चाहिए हमको। हमेशा याद रखिएगा पापड़ बनाते समय आलू का चयन जो है बहुत अच्छे से करिएगा। अच्छी क्वालिटी का आलू होना चाहिए, नया आलू होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए आलू कि हाथ में चिपके, और जो ऐसे टूट टूट के बिखर जाते हैं उस तरह का आलू से पापड़ नहीं बन पाता है। और आलू मीठे नहीं होने चाहिए। तो इस समय जो आलू आते हैं जनवरी फरवरी में, नए जो आलू आते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू होते हैं। हमें पेस्ट की जैसे जैसे आटा हम गूंथते हैं उस तरीके से इसको गूंथना है। तो जब हम कद्दूकस करते हैं तो बिल्कुल महीन महीन आलू जो है वो अच्छे से निकल जाते हैं उसके छेद से, तो क्या होता है मैश करने में आसानी हो जाती है। अब हमने इसको मैश कर लिया, अब इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। ये मैं धनिया की पत्ती डाल दूंगी, धनिया पुदीने की जो काट के रखी है, ये जीरा और ये मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा कि आपको कितना तीखा, और नहीं भी डालना है मिर्च अगर आप बच्चे हैं आपके घर में मिर्च नहीं खाते हैं तो आप नहीं डालिए, तभी आलू का पापड़ बहुत अच्छा बनता है। नमक भी स्वाद के अनुसार डालेंगे आप। सब कुछ मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ कम है तो पापड़ बनाने से पहले आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप धनिया पुदीने की पत्ती नहीं डालना चाहते हैं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे आप थोड़ा सा आलू को टेस्ट कर लीजिए, अगर आपके सारे मसाले और नमक सब ठीक है तो फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं, सब मसाला इसमें बराबर है। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। अब बनाने के लिए हमको इस तरह की एक पॉलिथीन ले लीजिए, कोई भी मोटी पॉलिथीन ले लीजिए, आपके पास कोई ऐसे बैग पड़ा हो तो उसको भी काट के आप इसको ले सकते हैं। हम पहले लोई काटेंगे। सबसे पहले इस पॉलिथीन पे आप अच्छे से तेल लगा लीजिए और हाथ में भी हम तेल लगा लेंगे, अच्छे से तेल लगाएंगे हाथ में ताकि जब हम आलू निकालें तो आलू चिपके ना। और थोड़ा सा आलू ऐसे लोई बना के आलू की इसके ऊपर हम रख लेंगे और इसी पॉलिथीन से हम इसको ऐसे लपेटेंगे। आप इस तरीके से लंबा लंबा कर लीजिए इसको पॉलिथीन के अंदर। इससे क्या होगा, आपका हाथ खराब नहीं होगा। देखिए इस तरह से लंबाई में इसका पेड़ा बन गया। अब हम चाकू लेंगे, चाकू में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी नींबू के बराबर ऐसे लोई काटते जाएंगे। आपको पापड़ जितना बड़ा छोटा बनाना है उसके हिसाब से आप लोई काटते जाइए।
आप चाहे तो बड़ा बना सकते हैं, आप इच्छा हो तो छोटे छोटे पापड़ बना सकते हैं। अब इसको इस तरीके से लोई बना लीजिए, हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको दूसरी प्लेट में निकालते जाएंगे। आप हाथ में से तेल लगा लीजिए ताकि आलू चिपके ना। सारी लोइयों की हम अच्छे से गोली बना लेंगे। ये देखिए मैंने इतनी सारी लोई काटी थी और इसको मैंने गोल बना लिया। आप चाहें तो हाथ में इस तरीके से तेल लगा के यहाँ से भी निकाल के बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या है वो हाथ में पूरा हर समय लगता है, तो आप एक बार पॉलिथीन में रैप करके लगाएंगे तो आपको हर समय हाथ में ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा और लगेगा नहीं, एक बार में बहुत सारी लोइयाँ अच्छे से बन जाएंगी और चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके आपको जैसी सुविधा हो आप वैसे बना लीजिए, मैंने दोनों ट्रिक आपको बता दी। अब मैं आपको थोड़े से पापड़ बना के बताती हूँ। पापड़ बनाने के लिए मैंने पॉलिथीन शीट ली है, आप देखिए आपको पॉलिथीन शीट मिलती है तो पॉलिथीन शीट ले लीजिए, किसी भी चीज़ की काट लीजिए, या आपके पास सेपरेट है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप पतला दुपट्टा या चादर के ऊपर भी बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। तो मैं इस सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, मैं पहले भी इस पर बना चुकी हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हम एक इस लोई को यहाँ पर रखेंगे और अब इसको दूसरी पॉलिथीन इस तरीके के लेंगे, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएंगे, बस हल्का सा तेल लगाएंगे ताकि पापड़ निकल जाए। इसको ऐसे इसके ऊपर उल्टा करेंगे। अब इसको दबाना है, अब चाहे आप चकले से दबाइए, चाहे आप इस तरीके का पत्थर आपके पास है जो जिस पे चंदन घिसते हैं, इस तरीके का पत्थर है तो इससे भी दबा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप डिब्बे से भी दबा सकते हैं, आप इस तरीके के डिब्बे से इसके नीचे से दबा सकते हैं आप इसको। तो मैं आपको सबसे पहले इससे बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए, ये देखिए हमारा पापड़ अच्छे से बनके तैयार हो गया। आपको पतला चाहिए तो और एक बार प्रेस कर दीजिए, ये देखिए हमने प्रेस कर दिया और पापड़ अच्छे से फैल गया। अब आप पॉलिथीन को आराम से निकाल लीजिए, हमने पॉलिथीन में तेल लगाया था इसलिए पॉलिथीन आराम से पहले ही निकल गई। अब फिर हम इसको यहाँ पर तेल लगाएंगे और शीट पर भी थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एक लोई और रखेंगे यहाँ पर, और शीट को इसके ऊपर डालेंगे और ये चकला लिया इससे इसको दबाएंगे। ये देखिए पापड़ बन गया, हम इसको आराम से धीरे से निकाल लेंगे। वापस हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाना है तेल, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। वापस इसको रखेंगे, पॉलिथीन को भी हल्का सा उसी उंगली से ही हल्का सा ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इस डब्बे से ऐसे करके आप दबा दीजिए। ये देखिए दो बार दबा दीजिए अच्छे से, ये हमारा पापड़ बन गया और इसको धीरे से निकाल लिए। ये देखिए तीन पापड़ मैंने ऐसे बना लिए, मैंने आपको तीनों तरह से बनाना बता दिया। मैंने आपको किचन के स्लैब पे बनाना बताया है, आप इसको टेरेस पे भी बना सकते हैं, धूप में बैठ के आराम से इसको बना सकते हैं, या चाहे तो आप रात के टाइम पे कमरे में बना सकते हैं ऐसे रख के और पंखे में रख दीजिए, ये सूख जाएगा सुबह तक और ये अपने आप पापड़ निकल जाएंगे, फिर आप पलट के दूसरे दिन धूप में डाल सकती हैं या हवा में भी सुखा सकते हैं। धूप में डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलता है। तो चलिए मैं सबको बना लेती हूँ। मैंने सारे पापड़ फैला दिए हैं और ये पापड़ मैंने पहले के बना के रखे थे जो मैं आपको दिखाती हूँ, सूख गए हैं। ये मैंने खाली जीरा डाल के बनाया था, ये मैंने हरी मिर्च और पुदीने का बनाया था, ये लाल मिर्च और धनिया पत्ती का है, और ये पापड़ कसूरी मेथी और लाल मिर्च का मैंने बनाया है, और इसमें नीचे अजवाइन का भी पापड़ है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग पापड़ बनाए हैं और मैंने आपको बताया भी कैसे बना सकते हैं। देखिए लाल मिर्च डालेंगे तो आप लाल रंग का हो जाएगा, आपको सफ़ेद चाहिए तो आप मत ना हरी मिर्च डालिए ना लाल मिर्च डालिए, आप इस तरीके से जीरा और अजवाइन डाल के बना सकते हैं, और हरी मिर्च डालेंगे आप तो इस तरीके से पापड़ होगा। ये देखिए ये है पापड़ हमारा, जैसे सारे पापड़ तले जाते हैं वैसे इसको भी तला जाता है। तो मैं आपको आज को तलना नहीं, इसको गैस पर सेकना बता दूँगी, आप इसको गैस पर भी सेक के खा सकते हैं। गैस पे सेकने के लिए सबसे पहले हम गैस को जला लेंगे। अब आप चिमटे से पकड़िए इसको और इस तरीके से सेक दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि पापड़ बहुत पतला है और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो जल जाएगा। ये देखिए उलटते पलटते आप इसको सेक दें, ये देखिए अभी ये ठंडा होते ही एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। मैं इसको रख देती हूँ और दूसरा पापड़ भी सेक के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने सारे पापड़ चार पापड़ तले हैं, देखिए कितना क्रिस्पी है,
आप इसको तोड़ के देखेंगे बिल्कुल क्रिस्पी है और तेल तेल नहीं है, बिल्कुल हाथ में मैंने जितना बनाने में तेल इस्तेमाल किया है वो उतना ही तेल है। आप इसके ऊपर टमाटर, प्याज, काली मिर्च और सलाद बना के इसके ऊपर डाल के इसको खा सकते हैं। इसको दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मसाला मिला होता है इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप देखिए सारे अभी गर्म है एकदम, जैसे ठंडा हो जाएगा एकदम देखिए किस तरीके से टूट के गिर रहा है। तो इस ये भी ऐसे ही सेकेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, और उतना तेल इसके लिए सफिशियंट है जितना हम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरीके से पापड़ को बनाइए। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और कुछ पूछना है तो भी लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।